सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत, बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार 5G फोन आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, लिक्स आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाले हैं। अगर आप अभी जियो फोन 3 नेक्स्ट नहीं लिए हैं तो दोस्तों आप लोग इस फोन को बाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को इधर ही बता देता हूँ इंट्रो लगाने से पहले कि अगर आप लोग जियो फोन 3 नेक्स्ट लेना चाहते हो, क्योंकि बहुत ही मेरे व्यूअर्स हैं जो पूछ रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप अपने मार्केट से जाते हो और उस फोन को बाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। 1999 रुपया प्लस प्रोसेसिंग फी दे करके आप इस फोन को जियो फोन नेक्स्ट को खरीद सकते हो, या आप अपने फोन से भी बुक करके और वहां पे जा करके जियो स्टोर से ले सकते हो इस फोन को। और इस फोन का जो टोटल प्राइस है वो है आपको 6499 रुपया। और दोस्तों अगर आप 1999 में लेते हो तो जियो के प्लान्स भी लेने पड़ते हैं। तो ऑल डिटेल्स बता दिए हैं और बाकी के डिटेल्स आप वहां पे जा करके ले सकते हो। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं, यहां पे क्लिक करके एक लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लीक्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स में क्या क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी। तो सबसे लीक्स के अकॉर्डिंग निकल के आ रही है कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है इस फोन में, और आपको यहाँ पे जो फीचर्स मिलते हैं एकदम शानदार और बहुत ही बेहतरीन। आपको स्नैपड्रैगन 778G से लेकर के 888G प्रोसेसर मिल सकती है, और 6GB रैम और 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत ही खूबसूरत तरीका से डिजाइन किया गया होगा। दोस्तों इस फ़ोन की लुक्स और डिज़ाइन की बात करें तो सभी को बहुत ही पसंद आ रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त 5G फ़ोन है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जिसके वजह से सभी के सभी लोग मतलब इस फ़ोन को बाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर ये फ़ोन आपको पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई मेरे को ये फ़ोन पसंद है, लेना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं इस फ़ोन को। तो दोस्तों इस फ़ोन में जो रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में ये फ़ोन मिल जाती है, और जो इनके फ्रंट कैमरे है 32 मेगापिक्सल का ये मतलब फ्रंट कैमरा देती है, और जो एकदम शानदार और खूबसूरत फोटो वीडियो निकाल सकते हो 30 और 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें दी गई है। तो आप इसे इतना अच्छा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। LED फ्लैश हेड, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और इस फोन का प्राइस बताया जा रहा है कि आपको 19,000 से लेकर के 26,000 के बीच में इस फोन की प्राइस हो सकती है। तो दोस्तों ये फ़ोन है जो बहुत ही शानदार है, और इस फ़ोन का जो चार्जिंग की बात करें तो 67 वाट से लेकर के 33 वाट के बीच में ही इस फ़ोन का चार्जर दिया जाएगा आप सभी को इन द बॉक्स। और ये जो फ़ोन है आपको अभी इंडिया में नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्द बताया जा रहा है लीक्स के अकॉर्डिंग कि ये आ जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो।